तो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू असाका एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, आज जो है हमारे साथ विजय जैन सर हैं, जो कि आईएफटी दिल्ली से पढ़े हैं, और उनके बाद जो है इन्होंने पूरा एजुकेशन और आपका जो है पूरा करियर के में लगभग 30 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है सर को। और आज जो है आप सर से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि जो है आगे का स्किल्स जो है आपको कैसे डेवलप आप कर सकते हैं, और आप सुन सकते हैं सर से। और सर, आप थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जो कि मतलब जो लोग हमें देख पा रहे हैं और जो देखेंगे हमारे स्टूडेंट वो आपको समझ पाएंगे सर। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सर आप अपना दे दीजिए। ओके, सो आई एम डॉक्टर विजेश जैन। आई हैव मोर एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद ट्रेनिंग टीचिंग फंक्शंस आई हैव टेकन विद मी। सो विल इट वर्क इन इंग्लिश लैंग्वेज और आई कैन हाउ द स्टूडेंट्स दे आर लुकिंग फॉर हाँ सर, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश और फॉर हिंदी हिंदी दोनों लैंग्वेज? चलेगा, क्योंकि जो यहाँ स्टूडेंट है ओके वो हो सकता है रूरल एरियाज के भी स्टूडेंट हो और मेट्रो सिटीज के भी हो, ओके मतलब ओके इट कैन बी इन दोनों ही लैंग्वेज में चलेगा सर। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा अभी आपको रामाशीष ने बताया, मैंने आईएफटी से एमबीए किया था और बिट्स प्लानिंग से मैंने इंजीनियरिंग करी है, और इसके अलावा मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी कुछ कोर्सेज किए हैं। तो फ्रेंड्स, 30 साल का मुझे एक्सपीरियंस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, इंटरनेशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस है। तो उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जो आपको 10th और 12th के बाद किस टाइप की स्किल्स आपको सीखनी अर्जित चाहिए। करनी है, इस पे हाँ मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल। तो साफ तरीके से बोलें आप, और आपकी बात दूसरे को समझ में आए, कॉन्फिडेंटली बोलें। तो इसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो धीरे धीरे आप शुरू कर दें, अभी में ही शुरू कर देंगे। आप अपने स्कूल के जिस पार्टिसिपेट कीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ये बड़ा सबसे कॉन्फिडेंस बोलने का है। कॉन्फिडेंटली जब आप बात करेंगे तो लोग आपको लाइक करेंगे। से इम्प्रेस होंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपको कॉर्पोरेट इंटरनेशनल बिजनेस है, तरह के बिजनेस और मैनेजमेंट करियर में जाना है, तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना पड़ेगा, जो अभी से ही यस शुरू करना पड़ेगा आपको, क्योंकि काफी साल लगते हैं, काफी टाइम लगता है इस सर, स्किल को सीखने के लिए। इसके अलावा अपनी जनरल नॉलेज काफी बढ़ाइए। जीके मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। आपके पास जीके अगर है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप पूरी बातें समझ सकते हैं। कोई भी बिल्कुल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी चैलेंजेस हैं, उसको आप फेस कर सकते हैं अपनी जनरल नॉलेज के बेस पे, और यस सर, उससे क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ मोस्टली माइंड भी स्टूडेंट जो बढ़ता है। है जब 10th 12th में होते हैं तो इस चीज को इग्नोर करते हैं कि सर जो मतलब आपका जो जनरल नॉलेज होता है, जीके होता है और सोशल साइंस होता है, इस चीज को इग्नोर करते हैं 10th 12th में जब बच्चे होते हैं तो। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो वो इग्नोर करने से आप औरों के मुकाबले पीछे होते चले जाएंगे। तो यस सर, उसके लिए क्रॉसवर्ड भी आप करें। क्रॉसवर्ड से आपकी प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश वर्ड्स की नॉलेज बढ़ेगी आपकी। क्रॉसवर्ड बिल्कुल करना 10th 12th में बहुत जरूरी है, और इसकी हैबिट डाल लीजिए कि हफ्ते हफ्ते में नहीं तो हफ्ते में एक बार या दो बार या इवन 3 बार आप क्रॉसवर्ड जरूर करें, जो आपके न्यूज़पेपर में आता है क्रॉसवर्ड, यस सर, और कोई इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो क्रॉसवर्ड से क्या आपकी प्रोनाउंसिएशन और वर्ड्स की नॉलेज काफी बढ़ेगी आपकी। और बिल्कुल अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें, अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में अपना करियर बनाना है, तो आपको दुनिया में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कि बिल्कुल जैसे फॉर एग्जाम्पल, यूएस के अंदर पहले प्रेसिडेंट कौन थे, अब कौन है, और यूएस बिल्कुल में क्या सर, चल रहा है, कोरोना वायरस किस किस देशों में फैल रहा है, कहाँ पे, उसके बारे में क्या खबरें हैं, कोरोना वायरस
को लेके क्या क्या न्यूज आ रही हैं, बीबीसी देखिए, बीबीसी न्यूज पढ़िए, हिंदी में भी होती है, बीबीसी न्यूज हिंदी भी आता है, उसको भी देख सकते हैं आप, पर आपको वर्ल्ड अफेयर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आपको जो कुछ स्किल्स बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जैसे 10th 12th में हैं, आप थोड़ा आउटगोइंग बने और एक्स्ट्रोवर्ट बने, उसके लिए आप जैसे मैंने बताया कि आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे स्पोर्ट्स भी हो, अगर आप स्पोर्ट्स में भी जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है। पर्सनैलिटी बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन के साथ पर्सनैलिटी होना भी बहुत जरूरी है। तो पर्सनैलिटी बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप जिम में जाके अपनी बॉडी बिल्डिंग कीजिए, ये नहीं कह रहा हूँ, पर पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि आप एक ग्रुप के अंदर किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ग्रुप के लोगों को कैसे लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लीडरशिप स्किल्स जिन्हें बोलते हैं वो आती है आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से। तो जो भी आपका शौक है, लोगों के पास 10th 12th में जब वो पढ़ाई कर रहे होते, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल्स की मैं खुद लेता हूँ सर, कि मैं एक रूरल एरियाज के एक छोटे से गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ाई किया हूँ 10th तक सर। वहाँ पे ऐसा था कि एक छोटे से मतलब स्पोर्ट्स के का भी फैसिलिटीज नहीं था वहाँ पे, राइट। और लोगों को क्या सर, हमें स्टूडेंट जब मैं था मुझे अवेयर नहीं था कि जो एक स्पोर्ट्स में भी ऐसी कुछ चीजें होती है कि जहाँ हम स्पोर्ट्स भी अच्छे से पढ़ के जो है हम आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के ही आगे नहीं बढ़ सकते, और भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो सर आप इस चीज पे कैसे सर, एक रूरल एरियाज के अंदर इस चीज को कैसे स्टूडेंट वो चीजें किया जाए, तो इस पे आपका टेक क्या है सर, जैसे रूरल एरियाज के अंदर जैसे इनफैक्ट इस चीज को कैसे समझेगा सर करेगा वो। देखिए रूरल एरियाज में इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज बेटर हैं, अगर आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास रूरल एरियाज में है वो बल्कि अर्बन एरियाज में वो नहीं है। रूरल एरियाज में आपके पास स्पोर्ट्स के लिए स्पेस भी आराम से मिल जाता है, आप कोई भी एक्टिविटी एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे कुछ काम करती हैं रूरल एरियाज में, आप उनके साथ उनको वॉलेंटियर की तरह काम कर सकते हैं उनके साथ, तो उससे भी आपकी पर्सनैलिटी काफी इंप्रूव होगी। आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, जो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके ही होगी। तो रूरल एरियाज में तो एक्चुअली स्कोप बहुत ज्यादा है, लोग इग्नोर करते हैं, लोगों की अवेयरनेस कम है, जिस वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर वो पार्टिसिपेट करें तो जो पर्सनैलिटी आपकी रूरल एरियाज में बन सकती है वो शायद अर्बन एरियाज में इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल, हाँ ये बात जरूर है कि अर्बन एरियाज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जो विद्यार्थी होते हैं उनको एक्सपोजर बेटर मिलता है, उनके पास जो अर्बन एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा बेटर मिलती है, वो अलग बात है, वो काफी एक्सपेंसिव भी होती है। रूरल एरियाज में वही इंफ्रास्ट्रक्चर इजिली अवेलेबल है, एक्सपेंसिव भी कम है, पर मेरा ऐसा विचार है कि अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा, अगर अवेयरनेस है आपके पास और आप समझते हैं, आप इंटरनेट पे जाइए, वहां पे यूट्यूब में आप बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के रूरल एरियाज के हिसाब से, वहां पे आपको आइडियाज को बताते हुए काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, काफी टेक्स्ट मिल जाएगा, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, उन आर्टिकल्स को पढ़ो, उनको उन वीडियोज को देख के आप कुछ एक्टिविटीज करिए जिसमें भी आपका शौक है, उस एक्टिविटीज को आगे बढ़ाए और उसको आप किसी भी जगह पे बहुत कम खर्चे में आप कर सकते हैं। उसका पर्पस वही है कि आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है और जो लीडरशिप स्किल्स है, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, बिजनेस वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट साइड में जाना चाहते हैं, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है, टेक्निकल में ज्यादा इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि यू आर फिट फॉर टेक्निकल जॉब्स, तो भी आपके पास बहुत सारी स्किल्स डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको रूरल एरियाज में भी मिलेंगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप अपने मॉडल्स वगैरह बना के डिस्प्ले कर सकते हैं, तो आप एक
तरह की एक्टिविटीज, इस तरह की एक्टिविटीज में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, कोई नई चीज बनाइए, कोई इनोवेटिव चीजें बनाए। अगर आपका आईटी लाइन में इंटरेस्ट है तो आप कोई सॉफ्टवेयर के कोडिंग करें, कोडिंग सीखें। बिल्कुल, कोडिंग जो लेटेस्ट कोडिंग चल रही है पाइथन की चल रही है, पाइथन के बारे में आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आप आईटी लाइन में नहीं भी जाना चाहते तब भी आपको पाइथन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इस समय पॉपुलर कोडिंग की, तो पाइथन के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बाकी आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि आईटी लाइन में और किस तरह की फील्ड्स आ रही हैं। जावा की आजकल बहुत डिमांड है, इसके अलावा डाटा साइंस की बहुत बड़ी डिमांड है। डाटा साइंस क्या होता है इसके बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए। डाटा साइंस के ऊपर जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनको इमीडिएट जॉब मिल रही है, 15 से लेकर 20 लाख रुपए से स्टार्टिंग कर रही है। तो जैसे सर आप एक, हाँ बिल्कुल सर, आप एक जब जैसे सर स्किल का बात करते हैं तो एक 8-10 स्किल्स का आप थोड़ा एक एक करके थोड़ा नाम बता सकते हैं, बता दें तो ज्यादा सर स्टूडेंट को उनको आसानी होगा चीजें देखने में। और सर जो भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप विजय जैन सर का वीजी आपका जो है सर क्या नाम है उनका आपके यूट्यूब चैनल का? मेरा मेरे YouTube के चैनल का नाम है विजय एक्सपोर्ट्स मास्टरी। विजय एक्सपोर्ट्स मास्टरी अगर आप डालेंगे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट या और भी स्किल्स सर वहां पे बहुत सारे वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं डेली बेसिस पे आपके स्किल्स से रिलेटेड। आप वो आप कहीं सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे रील्स पे टाइम वेस्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा कम करके आप जो है थोड़ा सा यूट्यूब पे जाइए और आप यहाँ पे स्किल्स सीख सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे सर स्टेप बाय स्टेप ना 8-10 स्किल्स का आप नाम बता दीजिए जो कि सर स्टूडेंट वो चीजों को सर्च करे, देखे और वो एटलीस्ट उस चीज पे काम करना स्टार्ट करे। तो टॉप 10 स्किल्स का अगर हम बात करते हैं सर 2022 का या 2022 का, तो ऐसे तो सर कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इस ईयर के लिए यही स्किल्स रिक्वायरमेंट है, बट एक हम एक सेट कर लेते हैं कि हाँ ये स्किल्स पे पहले हमें काम करना चाहिए। तो टॉप 10 स्किल्स देखिए मैंने जैसे बताया MSS Excel जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो भी है सर, डेटा साइंस है सर दो। मैं जैसे बेसिक में आप बिल्कुल कि आज के जमाने में एक्सेल पावर पॉइंट जितने भी ये सॉफ्टवेयर है इनकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो विद इन डाउट है वो सब तो नॉलेज होनी चाहिए, पर जो इमर्जिंग जो चीजें आ रही हैं उस लेवल पे भी पहुंचना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया आपको पाइथन के बारे में बताया और डाटा साइंस के बारे में बताया, इस नॉलेज होनी चाहिए। बिग डाटा क्या होता है ये सब पता होना चाहिए, 12th क्लास तक तो जरूर मालूम होना चाहिए ये सब चीजें, जिससे कि आप आगे अपना करियर के बारे में सोच पाए। तो जैसे मैंने वन बाई वन बताने की कोशिश की थी आपको, मैंने स्टार्ट किया था कि कम्युनिकेशन पे काम कीजिए और अपनी वोकैबुलरी जो है इंग्लिश की वोकैबुलरी है उसके ऊपर काम कीजिए। जैसे मैंने क्रॉसवर्ड वगैरह आप बोला कि क्रॉसवर्ड कीजिए, तो आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। इंग्लिश के बिना आज के समय में आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर नहीं कर सकते, इंग्लिश की आपको वर्किंग नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरपर्सनल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। उसकी वजह से आपको पार्टिसिपेशन की वजह से आपको ये ऑटोमेटिकली ये जो स्किल्स हैं ये आपके अंदर आएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जन्म से ये सारी स्किल्स आपके पास होती हैं या होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सारी स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं अपने एफर्ट्स से। और जैसे मैंने आपको और भी बात चीजें बताई कि आप इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में आपको आप अपने कोई इनोवेटिव चीजें बना के पार्टिसिपेट कीजिए, जो गवर्नमेंट के इवेंट्स होते हैं या आपके स्कूल के इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। एक्चुअली में क्लासरूम तो इम्पोर्टेंट है पर क्लासरूम के बाहर जो एक्टिविटीज होती हैं आपके स्कूल कॉलेजेस में वो उससे भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सर जो गांव में जो एरिया होता है जैसे रूरल एरियाज का हम बात करते हैं सर या फिर सर छोटे टायर 3 का सिटीज का बात करते हैं राइट, तो वहां पे क्या होता है सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती तो है बट वहां पे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उस चीज को ऐसा लगता है कि उन्हें अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, ऐसा मैं भी सोचता था सर। ऐसा ये नहीं कि मैं कोई अलग हूँ,
मैं भी ऐसा सोचता था कि मैं अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करूंगा तो हो सकता है कि मेरा एजुकेशन जो है, मेरा पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मुझे अब लगता है, जब मैं एमबीए कर लिया हूँ, 3 साल काम कर चुका हूँ कॉर्पोरेट में, तब अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज भी इम्पोर्टेंट था। तो इस चीज को मतलब कैसे स्टूडेंट उस वक्त समझे सर, क्योंकि उस समय उतना उनको नॉलेज नहीं होता है, चीजें नहीं होता है, कैसे इस चीज पे भी फोकस किया जा सकता है। आपने इसे पहले बताया सर, अवेयरनेस, अवेयरनेस तो है सर, अवेयरनेस भी एक पार्ट वो है। अवेयर तो अवेयरनेस जो इम्प्रूव होती है वो होती है जनरल नॉलेज से। अगर आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है, अगर आप जनरल नॉलेज पे काम करेंगे तो आपकी अवेयरनेस लेवल अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप जैसे आज आप देखते हैं यूट्यूब पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें, कंटेंट आपको आते हैं लेटेस्ट वीडियोस, नॉलेज, आपको छोटे छोटे क्लिप्स मिलती हैं, बिल्कुल सर, तो उस उनको आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। और बिल्कुल जीके सर, आपकी इंप्रूव होगी। आप टीवी पे केबीसी आता है, कौन बनेगा करोड़पति, वो जरूर देखिए, उसमें आपकी जीके काफी इंप्रूव होती है। हाँ जैसे सर, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, जो बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं जिनमें बड़े भांति भांति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल सर, अगर आपकी जीके इंप्रूव होगी तो आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा। अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा तो आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, वो लीडरशिप स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये सारी इंप्रूव होंगी। तो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और स्टार्ट ये बिल्कुल जीके से ही होती है। मैं आपको बता देता हूँ ये बात, जो ओके, कि जनरल नॉलेज जो है आपकी बहुत जल्दी शुरू हो जानी चाहिए, 5वीं 6वीं क्लास में शुरू हो जानी चाहिए। 10th 12th तक आते आते तो बहुत मैच्योर हो जाना चाहिए आपका जनरल नॉलेज है, और इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड्स की नॉलेज, ये अगर आपकी होंगी, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी बिल्कुल सर, अवेयरनेस बढ़ेगी। तो ये सारे जो मैंने बातें बताई हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल मेरा तो ऐसा मानना है कि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, यस और सर, ये बेसिक चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी चीजें तो फिर आप जो भी करियर अपना चूज करेंगे, अपने उसके करियर के हिसाब अकॉर्डिंगली से हम अगर चीजें आप आगे करते जाते हैं फिर। आगे करते जाएंगे, अगर आपको ड्रामेटिक्स में जाना है तो आप थिएटर में जाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको स्किल्स देखनी पड़ेगी। आप कॉमेडियन बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग तरह की स्किल्स होती हैं। बिल्कुल सर, आप स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं तो उसके स्किल अलग उसके होती लिए हैं। भी है, आप हाँ, सिंगर और बनना अभी चाहते सर वो हैं स्किल भी है, या अभी स्टैंड अप हाँ कॉमेडियन भी बहुत सारे लोग अपना एक करियर चूज करते हैं कि हाँ मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बिल्कुल बनना है ऑब्वियसली हाँ, तो वो सर, एक एक दिन में 1-1 लाख रुपए कमाते हैं, ऐसा भी बिल्कुल होता है। सर, तो हाँ और बहुत से लोग तो अब यूट्यूबर बन रहे हैं, तो यूट्यूब के अंदर भी बहुत अच्छी इनकम होती है उनकी, यस उसमें सर, काफी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं और लोग वीडियोस बनाते हैं। तो आज के समय में तो बहुत तरह के करियर्स हैं जो आप बना यस सर, सकते हैं, बिल्कुल, अभी सर और टेक्नोलॉजी और IT लाइन प्लस अवेबिलिटी, इतना सब कुछ है कंटेंट का और चीजों का, इंफॉर्मेशन का, बट वही चीजें है कि अब मैं फिर सर एक छोटा सा और बस लास्ट ये क्वेश्चन रहेगा और हम लोग सेशन वाइंड अप करेंगे सर। लास्टली एक्चुअली अभी मैंने रूरल एरियाज के अंदर, मैं मेरा थोड़ा ज्यादा ही वो वहां पे फोकस है और मैं वहां रहता भी हूँ और वहीं पे मैं बड़ा हुआ हूँ, तो अभी मैं देखता हूँ ना कहीं सर बच्चे मोबाइल तो है उसके पास, ठीक है सर, मैं पहला मोबाइल परचेज किया था जब मैंने 12th क्लास पास आउट हुआ था, तो मुझे याद है सर जब मैं 12वीं पास किया था तब मुझे मोबाइल मिला था। और आज के समय में मैं देखता हूँ सर जो 9th 10th के भी बच्चे हैं और 11th 12th, उनके पास मोबाइल है, बट उस चीज को सर वो कहीं ना कहीं गलत जगह यूज कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर टिकटॉक, और टिकटॉक तो ऑलरेडी बैन है, तो ये सब चीजों पे टाइम वेस्ट करते हैं, वो चीजों पे ना करके और इस चीजों पे उन्हें कैसे लाया जाए और उन्हें ये चीजें कैसे किया जाए कि भाई आप इस तरीके की चीजों जो है आप YouTube पे देख सकते हैं, तो एक अच्छी आपको नॉलेज भी मिलेगा और आप आगे भी बढ़ सकते हो, राइट। तो इस चीज को लेके हम उसे कैसे ये कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है सर, मुझे जानना है, मैं जान लूंगा तो हो सकता है मैं 200 बच्चे को भी बताऊं। देखिए, बड़ी बिल्कुल सिंपल सी बात है ये तो, कि दुनिया में आपको भगवान भी मिलता है, शैतान भी मिलता है। आप बिल्कुल भगवान सर, को याद करोगे तो भगवान मिलेगा, शैतान को याद करोगे तो शैतान मिलेगा। बिल्कुल ये सर, तो 100% आपकी अपनी सर, चॉइस है, तो बिल्कुल ये तो आपके दिमाग में
भगवान भी बसता है और शैतान भी बसता है। बिल्कुल सर, हम लोग तो एक अगर छोटा आप सा यूट्यूब हिंदी पे में जाते कहानी हो भी या पढ़ते थे पहले, वो साइंस जो है एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है हमारे लिए, तो हम 5वीं 6वीं में नहीं, पढ़ते थे सर हम लोग। वो तो देखिए वो आपके कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल पर सर, माइंड आपके कंट्रोल में है। बिल्कुल सर, आपका जो रुख है वो भगवान की तरफ है या शैतान की तरफ है, वो बिल्कुल आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे जाते हैं तो आपके पास दोनों तरह की, दोनों कैटेगरी की चीजें मिलेंगी। आपके बिल्कुल लिए सर, पॉजिटिव भी मिलेंगी और नेगेटिव भी मिलेंगी। नेगेटिव में आपको मोमेंट्री प्लेजर मिलता है, मोमेंट्री प्लेजर से एडिक्शन होता है कुछ चीजों में, तो वो जो है आपको गलत रास्ते पे ले जाता है, वो शैतान की तरफ ले जाता है। बिल्कुल तो ये सर, तो आपकी चॉइस है। अगर बिल्कुल आप क्योंकि अभी आप पे इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि आज हम डिजिटल मीडिया को, पर इसका मतलब ये नहीं है एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज, जैसे मैं जानता हूं, अगर आप आज की तारीख में कोई भी एजुकेशन लेना चाहते हो, अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको बहुत सस्ती पड़ती है। बिल्कुल तो सर, आपको सारे कोर्सेज बहुत ही थ्रो अवे प्राइस पे मिल जाते हैं, जो कि डिजिटल बिल्कुल मीडिया पे ही पॉसिबल है। तो अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को रखेंगे तो आप बहुत कम खर्चे में, बहुत ही कम खर्चे में आप दुनिया भर की नॉलेज गेन कर सकते हैं। और आज की तारीख में जैसे मैंने बताया आपको, अपना करियर बनाने के लिए आपको बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। तो बिल्कुल बेस्ट नॉलेज कैसे मिले, उसके क्या तरीके हैं? डिजिटल मीडिया में आपके पास रेटिंग सिस्टम होता है, आपके पास ये होता है कि किस कोर्स में या किस वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में कितने व्यूज हैं, कितने लोगों ने उनको लाइक किया है। तो आपके पास बड़ा इजी एक माध्यम है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि ये वीडियो आपके काम का है या नहीं, है यार, कि आपको बिल्कुल इतना सर, टाइम लगाना है या नहीं लगाना है। तो बिल्कुल ये जो चीजें हैं ये इतनी सिंपल हो गई हैं। और रही बात स्मार्टफोन की, मोबाइल फोन की, आज के तारीख में अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप 10,000 से नीचे नीचे आपको स्मार्टफोन मिल जाता है। अगर आप आराम से नहीं कर सकते तो आप सेकेंड हैंड स्मार्टफोन लेके, जो लेके कि आप आपको अपना हाँ 1,000-1,500 रुपये पढ़ाई में स्टार्ट कर मिल सकते हैं। जाएगा। हाँ, तो मोबाइल बहुत जरूरी है। मोबाइल अगर आप सही इस्तेमाल करें, मोबाइल का, स्मार्टफोन का बिल्कुल सर, और इंटरनेट का, इंटरनेट आज की तारीख में इंटरनेट भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो बिल्कुल इंटरनेट के सर, बिना आपको जनरल अवेयरनेस नहीं हो सकती आज के तारीख में। तो चाहे आप किसी भी टायर 1, टायर 2, टायर 3 किसी भी सिटी में हैं, तो बिल्कुल आपके सर, पास जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी मिल रही है। किस टाइप की बिल्कुल इंफॉर्मेशन आपको लेनी है ये आपको खुद डिसाइड करना है। ये आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको कोई मॉनिटर करने के लिए कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई बिल्कुल, ये आपको मॉनिटर सेल्फ करेगा। हमें ही करना पड़ेगा कि हाँ सेल्फ हमें मॉनिटर, 1 घंटा सोशल मीडिया चलाना है तो भाई 2 घंटा हमें पढ़ाई भी करना है, राइट, और उसमें भी किस तरह के कंटेंट्स आपको देखने हैं, किस तरीके के जो आपके कंटेंट लिए पॉजिटिव देखने हैं। है या नेगेटिव है। बिल्कुल आपको सर, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल अगर सर, आप सही चल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, पर सफलता जरूर मिलेगी, ये बात तो श्योर है। 100% बिल्कुल सर, तो यही मैं कहना चाहता था। मेरा मेरा ऐसा विचार है कि आपको मेरी बात समझने में मुश्किल नहीं हुई होगी, और अगर आप कर लेंगे तो जरूर हो जाएगा, ये मैं ऐसा मेरा विश्वास हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि सर एक्चुअली सर मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सर एक्चुअली आपने टाइम दिया, और प्लस अभी जो आपने इतना सारा कुछ स्किल्स बताया, बताने के लिए तो बहुत कुछ होता है, हम 10 घंटे भी बैठेंगे तो वो भी कम है, बट अगर समझना हो तो ये छोटे से आधे घंटे का वीडियोस भी देख के बच्चे समझ सकते हैं कि हाँ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सर थैंक यू सो मच सर, आपने इतना ज़्यादा हमें टाइम दिया है और एवरीथिंग, तो सर हम लोग बहुत जल्द इनको मिलेंगे सर, अगर नेक्स्ट कभी सेशन करें किसी भी टॉपिक पे तो डेफिनेटली सर, तो थैंक यू सो मच सर, और थैंक माय प्लेजर। यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू सर।